धन्यवाद सचिव का लादा। जमशेदपुर के जनता के लिए खास तौर से और झारखंड के जनता के लिए एक खुशखबरी है। हमने कुछ दिन पहले हेमंत जी से बात करके और सरकार से अनुरोध किया था कि जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद जैसे जगह में स्थानीय ये जातीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहे और सामान्य वर्ग के जो कमज़ोर लोग हैं उनकी जो आर्थिक कमज़ोर वाली प्रमाण पत्र सरकार बनाना बंद कर दिया है। ये सब कागज़ जो है, एक तो अधिकांश कागज़ जो है जातीय प्रमाण पत्र खतियान के आधार पर की जाती है, लेकिन जमशेदपुर शहर में खतियान के कोई, क्योंकि टाटा लीज एरिया में पूरे शहर तो टाटा लीज एरिया के अंदर रही है, तो यहाँ के मुख्य एससी समाज हो, मुखी समाज हो, रजक समाज हो, दुसाद हो, या ट्राइबल में सभी ट्राइब्स के लोग हैं, ओराव हो या संताली हो या हो या कोई भी समाज हो, ओबीसी के जितने भी समाज हैं, उनके बच्चे को ना तो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा था ना नौकरी में किसी तरह का आरक्षण दी जा रही थी, क्योंकि खतियान के आधार पर उनका जातीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था। हमारे अनुरोध को सरकार ने स्वीकार करते हुए एक आदेश कैबिनेट ने पारित की है जिससे जांच के आधार पर आपके जातीय प्रमाण पत्र और आर्थिक कमजोर होने की प्रमाण पत्र जो है अंचल कार्यालय द्वारा की जाएगी, इसका निरीक्षण होगा। खुशी इस बात का है क्योंकि जमशेदपुर में जैसे पूर्वी में आप मुखी बस्ती चले जाइए, रजक समाज का चले जाइए, गौड बस्ती चले जाइए, या आप बस्ती में चले जाइए जहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, जिनके बच्चे गरीब माता पिता के परिवार के बच्चे लोग हैं जो वो रहते हैं, उनके लिए प्रमाण पत्र पहले बनना असंभव था। हमारी सरकार एक प्रगतिशील वाली सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन ने एक ऐतिहासिक कदम लिया है और जमशेदपुर की जनता को ये बात जो है, मैं सरकार को तो धन्यवाद देना चाहूँगा और जनता को बधाई देना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी जीत जो है और एक बहुत बड़ा फैसला उनके पक्ष में लिया गया है। हर एक सरकार का यही काम है कि समाज के सबसे वंचित और गरीब लोगों को मदद करना। आजादी के बाद से हमारे जमशेदपुर के जनता इस हक से वंचित थे, ये इनकी अधिकार थी, परंतु क्योंकि ये लीज्ड एरिया में था तो इनको प्रमाण पत्र जो खतियान के आधार पर, तो खतियान तो है नहीं। अब सरकार ने जांच के आधार पर जो इसको जो है प्राधित करने के लिए जो निर्णय लिया है बहुत ही ऐतिहासिक है। हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं हमेशा कहते रहूँगा सरकार वैसे चुनिए जो आपके लिए काम करे, और उसी श्रेणी में ये निर्णय जो है मैं उसको जो है एक ऐतिहासिक निर्णय, हमारे सरकार के बहुत सारी उपलब्धियाँ हुई है पर इसको मैं अपने ये टॉप उपलब्धि में गिनूंगा जरूर, क्योंकि अब लाखों बच्चे को जो है आरक्षण के आधार पर कॉलेजेस में होंगे और सरकारी नौकरी जो है इस आधार पर जमशेदपुर के बच्चे वंचित आगे से नहीं होंगे। और ये सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं है, ये सामान्य वर्ग के बच्चे के लिए भी है, और इसी बात की ये दोनों दो खुशी है, एक तो आरक्षित श्रेणी के लोग के लिए और हमारे सामान्य वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी ये जो सुविधा उपलब्ध कराना मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक संजीवनी के रूप में जो है हमारे बच्चे को ये सरकार ने देने का काम किया है। धन्यवाद।